जनपद संभल के हसनपुर मुंजबता के खेत में देसी प्रैक्टिस कर रहा ये रेसलर विवेक चौबे है। विवेक पिछले 6 महीने से रेसलिंग की तैयारी में जुटा है और वो भी एक मुस्लिम समाज से जुड़े अपने फेसबुक फ्रेंड फैजान के घर और उनके खेत में घंटों पसीना बह रहा है। दरअसल ये दोस्ती कोरोना काल से पहले सोशल मीडिया के पेज फेसबुक से शुरू हुई थी। उस समय विवेक चौबे गोनियार बिहार का रहने वाला है। अब वे काफी समय से देश की राजधानी दिल्ली में रहकर आगामी ओलंपिक में भाग लेने के लिए रेसलिंग की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर क्या हुआ। दोनों दोस्त एक दूसरे की सहायता करने के लिए मिले। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी और मूल रूप से बिहार के जनपद गोपालगंज के रहने वाले विवेक चौबे और दोस्त फैजान के साथ उसके गाँव हसन आ गए, जो पिछले 6 महीने से यही रहकर ओलंपिक की तैयारी के लिए देसी मैदान अर्थात खेत में प्रैक्टिस करते हुए घंटों पसीना बहा रहे हैं। विवेक बताते हैं कि उन्होंने जिला और प्रदेश स्तर पर कई मेडल जीते हैं और उनका सपना है कि वो देश को ओलंपिक में मेडल दिला सके। आज के समय में जहां हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे फसाद हो रहे हैं, वहीं विवेक चौबे और फैजान की दोस्ती ने ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो हिंदू मुस्लिम करके देश प्रदेश का माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। ये बिहार में रहते थे। बिहार के बाद इनका जो भाई की पोस्टिंग है वो दिल्ली, ये दिल्ली आ गए। मैं दिल्ली में जॉब करने लगा, हिटाची कंपनी एसी की। उसके बाद हमारी दोस्ती चलती रही, मिलते रहे, सुबह में शाम में स्टेडियम में मिलते थे। अब उसके बाद इनके तैयारी कर रहे थे, इनके चोट लग गई घुटने में, इंजरी हो गई। उसके बाद इनकी सर्जरी, डॉक्टर ने मना कर दिया इनसे 8 महीने के लिए। लगभग डॉक्टर बोला 8 महीने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद COVID-19 कोरोना की बीमारी, तो उस परेशानी में परेशान थे। फिर उसके बाद दिखाने के बाद मैं बोला आप घर पर चलते हैं, यहाँ परेशानी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है, घर पर सब काम हो जाएगा और वहाँ कोई इतना कोरोना का वो नहीं है। फिर हम गांव आ गए, यहाँ पर तैयारी करनी शुरू कर दी और जो गए सुबह रनिंग, जो वेट लिफ्टिंग और यहाँ जिम का योग बंदोबस्त कर लिया अंदर अपने हिसाब से, जो जैसी करनी है पता जिस तरह से। हाँ, जो अपना टायर मंगाया, एक घर मंगाया, मतलब जो भी रस्से वस्ते जो भी तैयारी होती है अपने गांव के हिसाब से सब सामान इकट्ठा करके उसके लिए तैयारी करते हैं। आपके कैसे लग रहा है, आपके दोस्त के ख्वाब आप पूरा कराएंगे, ओलंपिक तक भेजेंगे? हमें बहुत खुशी होगी, एक जाने के बाद तैयारी में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। अब 2021 में हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जी। हम फेसबुक से इनसे मिले, फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट हम इनसे मिले, उसके बाद से हमें इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। हम भी दिल्ली आए, इन्हें बुलाएं, ये भी हमसे मिले, उसके बाद से हम दोनों में बहुत अच्छी खासी दोस्ती चलने लगी। हम स्टेडियम में अपना वेट लिफ्टिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ये वहाँ पर आते थे। फिर हम लोगों में मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत एकता हो गया, फिर हम एक दूसरे से मिलने लगे। उसके बाद से हम वेट लिफ्टिंग करते करते जैसे हमारा इंजरी हो गया, इंजरी के बाद से हम हॉस्पिटल में रहे 4-5 महीने, हमें हमारा इंजरी सही हुआ। उसके बाद से कोरोना का महामारी आ गया, फिर जो ये है फैजान भैया हमारे, ये हमें लेके यहाँ को आए और यहाँ आके हम गाँव में देसी तरीके से हम अपना ट्रेनिंग शुरू कर दिए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात यहाँ के, तो यहाँ देसी चीज़ों से हम अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस अपना कर रहे हैं। वहाँ पे जो हमें मिलता था वहाँ पे ये चीज़ ना मिलके फिर भी हमें यहाँ पे टायर अपना रनिंग अपना सारा कुछ करके हम एक दूसरे को भी सीख रहे हैं समझ रहे हैं। हमें बहुत लोग ऐसे गांव वाले हैं जो आते हैं समझने के लिए, सीखने के लिए, हम सबको सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तैयारी में बहुत आगे जा रहे हैं और हम आगे तक जाएंगे। जो आपका हौसला था जो टूटा नज़र आ रहा था, देखिए फैजान और आप लोगों सही से, अब कैसा लग रहा है उस पर सपना उड़ान? अच्छा लग रहा है, ये हमारे बहुत करीब के हैं और ये हमें बहुत सपोर्ट किए हैं और अभी तक सपोर्ट करते जा रहे हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ऐसा सपोर्ट करने वाला आदमी शायद ना मिले। तो 2000 जो आ रहा है ये ओलंपिक कैसे मानते हैं? मानेंगे हम, उसमें जाएंगे। अच्छा, इस बीच में क्या क्या आपको सम्मानित किया गया, कहाँ कहाँ खेले जी? 2016 में हम नेशनल खेले हैं और 2014 में हम डिस्ट्रिक्ट खेले हैं। उसके बाद से हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रही थी तब तक हमारा 2019 में हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद से 2020 में ये कोरोना आ गया। अब ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन कौन से खेल कर रहे हैं ओलंपिक के लिए? वेट लिफ्टिंग और वो उसका रेसलिंग का। इस अगर जिस तरह से परेशानी आई थी, क्या कहना चाहते हैं आम पब्लिक लड़कों से प्रैक्टिस के बारे में?
जी कहना यही चाहते हैं कि जब हम इतने टूट के जब खड़े हो सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। हम हिम्मत ना हारें, हम आगे जा सकते हैं।